माता बहनों को ये विशेष दायित्व दिया गया है कि घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसके लिए माताएं बहन विशेष कार्य करें, क्योंकि माता बहनों को लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया है। क्या कहा गया है, जोर से बोलिए, माता बहनों को लक्ष्मी स्वरूपा बना कहा गया है। इसलिए ये माता बहनों की बहुत जिम्मेदारी है कि माताएं बहन कुछ कार्य ऐसा करें जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हम सभी गृहस्थियों पर, सनातनियों पर बनी रहे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि देवियों को चाहिए रसोई के बर्तनों में व्यवस्थित रखें, रसोई के बर्तनों को। कई घरों में आप जाके देखते होंगे कि रसोई के जो बर्तन हैं वो पूरे घर में फैले रहते हैं, कई घरों में फैले मिलते हैं आपको। रसोई के बर्तन, जो घर के बर्तन हैं, वो कमरे में पड़े, झूठे पड़े। एक तो रात्रि में घर में झूठा बर्तन एक भी नहीं रहना चाहिए, एक भी बर्तन नहीं। दूसरा, बर्तन सही जगह, जहां उनकी जगह है वहीं होने चाहिए, इधर उधर बिखरे नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखें। दूसरी बात, टूटे हुए बर्तन घर में नहीं होने चाहिए। कई जो आजकल के स्टील के बर्तन होते वो चटक जाते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं हमारे यहाँ स्टील के बर्तन नहीं, हमारे यहाँ तो दूसरे बर्तन हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्लेट व्लेट जो आती हैं, वो उनसे भी गई गुजरी हैं। उनमें भोजन करने से पाप लगता है, पुण्य नहीं लगता है। ये जो अजीब से आजकल चाइनीज कप और प्लेट्स आते हैं, जो शादी फंक्शनों में भी वही मिलते हैं, वो कितना भी आप उन्हें साफ कर लो वो कभी शुद्ध नहीं होंगे, वो झूठे ही रहते हैं, वो धातु नहीं है, वो अशुद्ध ही रहती है। ऐसे बर्तनों में भोजन करने से सिर्फ व्यक्ति के विचार दूषित होते हैं और लक्ष्मी जी रुष्ट होती हैं। तो ऐसे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए, चाय चुल्लड़ नहीं पीना चाहिए। दूसरा, माता बहनों को उच्च स्वर में अपने घर में बात नहीं करनी चाहिए, न पति से, न सास ससुर से, न बहू से, सासू मां को भी नहीं। जिस घर में ज्यादा विवाद होता है बहुत ऊंची ऊंची आवाज में, अच्छा कईयों से कहो आप बहुत जोर से बोल रही, धीरे बोलो, तो पता है सुनने को वापस क्या मिलता है, मेरी आवाज ही ऐसी है। मैं बोल नहीं रही जोर से, मेरी आवाज ही ऐसी है। अरे इस आवाज में थोड़ा ठंडा पानी डालो, ऊंची आवाज में घर में बात नहीं करनी चाहिए। और इसमें जो बहुत अच्छी बात लिखी है जो हम बता रहे हैं आपको, स्त्रियों को लाज का आभूषण हमेशा अपने जीवन में धारण करके रखना चाहिए। जो स्त्री लाज का आभूषण धारण करके रखती है, लक्ष्मी मां उसके घर को छोड़ के कभी नहीं जाती, कभी नहीं जाती। सभी पुरुष और स्त्री, बाल गोपाल बच्चे, सबको एक ज्ञान, मलमूत्र त्यागने के बाद कभी उसे देखना नहीं चाहिए, ऐसा करने से भी लक्ष्मी रुष्ट होती है। गीले पैरों से कभी सोना नहीं चाहिए, उससे लक्ष्मी रुष्ट होती है। बिना पैर धोए कभी सोना नहीं चाहिए, उससे लक्ष्मी रुष्ट होती है। पैर धोए फिर सुखाए और फिर सोए। निर्वस्त्र कभी नहीं सोना चाहिए, जो निर्वस्त्र सोता है उस घर में लक्ष्मी कभी टिकती नहीं, वो लक्ष्मी का अपमान करता है, लक्ष्मी उसका घर छोड़कर चले जाती है। संध्या काल तथा दिन में भी सोना नहीं चाहिए। और एक काम कभी नहीं करना चाहिए कि पहले सिर पे तेल लगा ले और फिर बाद में शरीर में लगाए, इससे भी लक्ष्मी रुष्ट होती है। पहले अगर शरीर में तेल लगाना है तो पहले शरीर में तेल लगाओ, फिर सिर में बाद में तेल लगाओ। जो पहले सिर पर तेल लगाकर पीछे उस तेल को अन्य अंगों पर लगाता है, मस्तिष्क पर तथा शरीर पर तेल लगाकर मलमूत्र त्याग देता है, उससे भी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है।
ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके नाखूनों में मैल जमी रहती है उससे लक्ष्मी रुष्ट होती है, जो पैरों को जो शरीर को साफ नहीं रखता है उससे भी लक्ष्मी रुष्ट होती है। इसलिए ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम अपने बच्चों को बता सकते हैं अथवा सिखा सकते हैं, और जो अपने बच्चों को थोड़ा बहुत भी इस विषय में बताएं, खुद भी जीवन में अप्लाई करें, तो हमको लगता है माँ लक्ष्मी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहेगी। बोलो राधे राधे। माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए शिव जी का अथवा माधव का, नारायण का सहस्त्राचन कमल से करना चाहिए। जो एक सहस्त्र कमल से नारायण का अभिषेक करता है, लक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा उसके ऊपर बनी रहती है। और हम तो एक ही बात कहेंगे, जो लक्ष्मी प्राप्त करना चाहता है, अगर वो मनुष्य भगवान का भजन करता है, धन का सदुपयोग करता है, ऐसे जीव को छोड़कर लक्ष्मी कभी भी नहीं जाती, कभी भी नहीं जाती, कभी भी नहीं जाती।